ओके बच्चे लोग, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके दैट्स द वे टू आंसर फास्ट। ओके या लास्ट टाइम का प्रॉब्लम लिटिल इनकम्प्लीट था, यू नो आई हैड रीच्ड अप टू दिस, देन दे हैव गिवन डायमीटर इज 0.6 मिलीमीटर, सो टेल मी व्हाट मस्ट बी द रेडियस। रेडियस मस्ट बी इक्वल टू डायमीटर बाय 2, दैट इज 0.6 बाय 2, यानी कि 0.3 मिलीमीटर। ओके आई वांट टू नो हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर टू मीटर। भार्गेश, भार्गेश, अरे भार्गेश आया ही नहीं है। ओके हुसैन, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर? हुसैन दागीना बोलो कन्वर्जन फैक्टर। मिलीमीटर टू मीटर That is right, 0.3 into 10 raised to minus 3 meter. Or we can say 3 into 10 raised to minus 4 meter. ऐसे भी कर सकते हैं. Square pi, pi याने 3.14. R square, 3 का square 9. Into 10 raised to minus 4 का square 10 raised to minus 8. I am writing there so that you know 10 raised to factor एक जगह रहते हैं. And length is 1.5 meter. So when you simplify this, you will get the answer of false. Answer of false आएगा 250. Oh, lovely answer. 250 newton. I think ये कैसे आएगा मालूम है, मैं बताता हूँ. This is 5 tenths and this is 7 tenths. Pi is 22/7. उससे हो जाता है काम. So 7/7 gets cancelled. 22 into 9/5. I hope that's clear. एक बार रिपीट करूं इस प्रॉब्लम को बेटा, सब लोग चाहते हैं एक बार रिपीट करूं। Yes, yes, sir. Okay, एक बार रिपीट करता हूं। देखो, एक वायर का उसकी लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ दी हुई है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। वो लोग मुझे कितना फोर्स अप्लाई किया था, तो अच्छा रेडियस मैंने किया था यहाँ पे, रेडियस डायमीटर 0.6 मिलीमीटर, तो रेडियस 0.3 मिलीमीटर, यानी 0.3 इनटू 10 टू माइनस 3 मीटर, 3 इनटू 10 टू माइनस 4 मीटर, एक्सटेंशन 3. यानी चेंज इन लेंथ 6.3 मिलीमीटर, यानी 6.3 इनटू 10 टू माइनस 3 मीटर। वाई का फॉर्मूला एफ बड़ा एल अपॉन ए छोटा एल, बट ये लोग ने रेडियस दिया था इसलिए एरिया के बदले मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर छोटा एल, देयरफॉर एफ विल बी व्हाट, वाई पाई आर स्क्वायर छोटा एल अपॉन मोटा एल। वाई की वैल्यू ये रही 2.1 इनटू 10 टू 11, पाई 3.14, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 10 टू माइनस 4 का स्क्वायर 10 टू माइनस 8, यहां लिख दिया length is 1.5 meter. तो इसको simplify करेंगे तो answer आता है 250, पूरे 250 newton. एक बार और repeat करूं कि that is sufficient? No sir. Yes sir. एक बार और repeat करूं? Yes or no? No sir. No no. Okay okay okay. Okay lovely, that's great. अब हम करते हैं उसका अगला problem आपके सामने. अगला problem करते हैं. उसी का ठीक अगला प्रॉब्लम करते हैं। एक बात ध्यान रखो, फिजिक्स किसका स्ट्रॉन्ग, जिसके प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग उसका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। यू मस्ट लव ऑल द प्रॉब्लम्स। अगला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, और जरा पढ़ो जीतू, वायर ऑफ डायमीटर रीड करो, रीड करो जीतू। So, a wire of diameter 0.5 mm and a length of 2 meter is stretched by applying a force of 2 kg weight, calculate the increase in length of the wire. Okay, 2 kg weight. मैं एक्चुअली ये लिखते जाऊँ, मैं साथ साथ लिखते जाऊँ. Increase in length, g is 9.8 and y. ये क्या लिखूं, लेंथ इज 2 मीटर, यानी क्या लिखूं, एनीबॉडी, लेंथ ऑफ 2 मीटर, यहां पे सिंबल क्या लिखूं, सिंबल सर कैपिटल एल, इफ टू फोर्स इज 2 केजी वेट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन,
Newton. How to convert kg weight into Newton? Anybody? So into 9.8. That's right. 9.8. That's right. 2 into 9.8. अब सुनो प्रॉब्लम बता रहा हूं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. आई एम गोइंग टू आस्क. प्रॉब्लम है कुछ कुछ ऐसा. एक वायर था, उसका डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, फोर्स अप्लाइड दिया हुआ है केजी वेट में, लेकिन हमने मल्टीप्लाई बाय 9.8 किया न्यूटन में लाने के लिए. जी की वैल्यू दिया है, यंग्स मॉडुलस दिया है. वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ. इतना जो मैं बोला उतना बोलना है आपको. एंड लेट मी टेल यू, दिस आंसर विल बी गिवन बाय मास. मास बोलो. सर एक वायर की डायमीटर है 0.5 mm. दिया हुआ है बस, वैल्यू मत बोलो. डायमीटर दिया हुआ, फिर लेंथ दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, और फोर्स दिया हुआ है, फोर्स को अपन ने 9.8 से मल्टीप्लाई किया है यंग मॉड्यूलस न्यूटन में लाने के लिए. यंग मॉड्यूलस भी दिया हुआ है. अब उनको इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करने का. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा. ओम मिस्त्री वाई का फॉर्मूला बोल. ओम मिस्त्री वाई का फॉर्मूला बोल. y equals to f big L upon a small l equals to mg big L upon pi r square upon small. देखो मैंने ना mg क्यों नहीं लिखा, क्योंकि f मिला है ना हमको डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने mg नहीं लिखा. और एरिया के बदले pi r square इसलिए लिखा क्योंकि डायमीटर दिया है हमको, डायमीटर दिया है. तो मुझे कोई बता दे रेडियस किसे निकालूं मैं. रेडियस के लिए d by 2 and that is 0.25 millimeter. यानी कितना लिखो, 0.25 into 10 raise to minus 3 meter, or that is 25 into 10 raise to minus 5 meter. All right, हमको चाहिए छोटा l. क्या करूँ अगला step? Anybody? Anybody can tell me अगला step क्या करूँ? छोटा l हमारा main hero है. हमारा hero है छोटा l. So you can substitute all the values and. But better to take, don't you agree? Better to take chota l either y niche. So then yes, our hero left hand side chota l will be equal to f l pi r square y. And yahan pe value substitute karo. L either y either either ka maan either udhar ka maan either. F kitna hai 19.6. Length kitni hai 2 meter. Pi 3.14, r square is 25 ka square 625, 10 to minus 5 ka square 10 to minus 10 nichu, yani upar jayega to 10 raise to 10. And y kitna hai 9 into 10 raise to 10 upar jayega to minus 10. So this becomes only this much. All right, when you simplify this, chote l ka answer aata hai 2.219. Into 10 raised to minus 3 meter, or that is equal to 2.219 millimeter. एक बार रूलर मार दूँ. रूलर. All of you want me to put ruler? ओके सभी लोग लिखना बंद कर दो. एक मिनट के लिए लिखना बंद कर दो प्लीज. एवरीबडी पुट योर पेन डाउन, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. हमें मास ने जैसे बताया डायमीटर लेंथ फॉर जी फाइव दिया है और छोटा एल पूछा है. छोटा एल का मतलब क्या विधि? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटा एल? इट्स अ चेंज इन लेंथ. दैट इज राइट. वी वांट टू फाइंड चेंज इन लेंथ. डायमीटर दिया था तो हमने रेडियस निकाला. डायमीटर बाई टू, 0.5 by 2 is 0.25 millimeter. 0.25 into 10 to minus 3 meter, यानी 25 into 10 to minus 5 meter. ये मैं इसलिए prefer करता हूँ क्योंकि 0.25 का square कर रहे हैं और 0.00625, 25 का square directly 625. So better to write over 0.9 हटा देंगे. Y का formula ये रहा आपके सामने. F into capital L upon A into small L, that is F into capital L upon A के बदले pi r square छोटा L. ये छोटा L इधर, Y उधर.
F की वैल्यू 19.6, L की वैल्यू 2 मीटर, I की वैल्यू 3.14, R स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, 10 टू माइनस 5 का स्क्वायर 10 टू माइनस 10 नीचे, हम लोग ऊपर लिख लिया तो 10 टू 10, Y की वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू 10, 9 इंटू 10 टू 10 नीचे था तो ऊपर गया तो माइनस 10, मतलब ये तो गया काम से, इतने को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है ये 2.219 मिलीमीटर से वायर स्ट्रेच हो जाता है। आई होप दैट्स क्लियर। क्लियर की एक बार और रिपीट करूं? ओ बच्चे लोग, यस सर क्लियर सर। ओके ओके टॉपिक क्या डालो? थैंक यू थैंक यू। एक तो प्रीशा एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है? कोनन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोनन कुरेशी? हाँ सर समझा थोड़ा 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 थोड़ा। अरे फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी छोटे मोटे डाउट है तो पूछो। हाँ क्लास में कोनन। हाँ, आलोक, आलोक आलोक बेटा। यस यस सर। तो तुमने यूट्यूब के वीडियो देखे मेरे बोले, मैंने बोला था उसके बाद? हाँ सर वो देखा, वो इलास्टिक एंड प्लास्टिक का था वो फर्स्ट देखा ना। हाँ सर देखा सर, ये सम समझा पर सम नंबर कौन सा है? अरे सम नंबर ये टेक्स्ट बुक का है। अरे सम नंबर बता जीतो, कौन से पेज पे कौन सा सम है? 240 का पेज नंबर 40, पेज नंबर 214 और प्रॉब्लम नंबर 46 मिला। देखो आलोक, देखो बेटा जल्दी। मिला? यस सर। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रॉब्लम, इसके बाद का प्रॉब्लम है, इसका नंबर है 47 मेरे बुक में, तुम्हारे बुक में मालूम नहीं कौन सा है। अ ब्रास वायर, कौन पढ़ेगा इसको? विधि, विधि A brass wire of length 4.5 meter with cross section area of 3 into 10 raised to minus 5 meter square and a copper wire of length 5 meter with cross section area 4 into 10 raised to minus 5 meter square are stretched by the same load. The same elongation is produced in both the wires. Find the ratio of Young's modulus of brass and copper. That's lovely. Very good. Dekho main problem, go on copying along with me. प्रॉब्लम होने के बाद आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, देन आई एम गोइंग टू आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट व्हाट द प्रॉब्लम इज, और नए बच्चों को भी पूछ सकता हूँ लाइक कोनन, देन आलोक, देन एनीबडी, रोशनी, रोशनी यू आर फॉलोइंग? रोशनी चौरसिया? यस सर। ओके, सो एरिया ऑफ ब्रास, देन लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर लेंथ ऑफ ब्रास दिया 4.5 मीटर, then area there 3 into 10 is to minus 5 square meter, then length of copper there 5 meter, area of copper there 4 into 10 is to minus 5 meter square, same elongation as stressed by the same load, force on brass is same as force on copper, same elongation is produced, extension of brass equal to extension of copper. Find the ratio of Young's modulus of brass to that of copper. Itna copy karo. I am going to explain. I am going to ask. हाँ मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क, आई एम गोइंग टू आस्क। कॉपी किया इतना? इतना कॉपी किया सभी बच्चों ने? अंजू ऋषा को लगाओ ना फोन।
Anybody who is having number of Prisha, उसको contact करो और बोलो immediately class में आने के लिए. Who can do that? Okay, देखो इधर देखो. इस प्रॉब्लम में देखो मेरा जो आंसर देना है वो बोल तो आपको ये बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ. सर इस प्रॉब्लम में दो वायर दिए, एक ब्रास का और एक कॉपर का. सर ब्रास वायर की लेंथ और एरिया दिया है, कॉपर वायर का भी लेंथ और एरिया दिया है और दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया है, ब्रास में भी और कॉपर में भी. सर उनका एक्सटेंशन भी सेम होता है तो वो लोग बोलते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर. सर ऐसा प्रॉब्लम है सर, तो मुझे ये बताएगा रोशनी. यू ट्राई रोशनी चौरसिया न्यू कमर. सर यर लेंथ ऑफ ब्रास एंड एरिया ऑफ ब्रास इज गिवन, सिमिलरली द लेंथ ऑफ कॉपर एंड एरिया ऑफ कॉपर इज गिवन एंड हियर फोर्स ऑफ ब्रास एंड फोर्स ऑफ कॉपर आर सेम एंड चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास एंड कॉपर आर द सेम एंड हियर वी हैव टू फाइंड यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर. Beautiful answer. I really love your answer, the way you answered. Even though you come late, but you are really leading by example. Ki kaise answer diya hai, Roshni. I clap for you. Okay. So, abhi hum log hai na, is problem ko solve kaise karenge? Wo aapke saamne main ek chhota sa hai na, pehle mathematical cheez batata hu. Suppose ye apna x hai. X equal to a into b square upon c d cube. And let us say root of e. ऐसा कुछ सिचुएशन है, मैं जानबूझकर ऐसे ले रहा हूं. ये सब जैसे y equal to fl upon el है ना, जैसे y equal to fl upon el, ये सिंपल है ab upon cd, लेकिन यहां पे मैंने जानबूझकर लिया ऐसे लिया. नाउ सपोज ये e है, नाउ सपोज b is constant, c is constant, b भी constant है, c भी constant है. ओके अगर a और b constant है, सॉरी b और c constant है, तो x की क्या होता है प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट को भगा देने का. कौन कौन से कॉन्स्टेंट है, बी और सी, इनको भगा दो तो बचेगा क्या, ए इंटू रूट ई अपॉन डी क्यूब. इज दिस क्लियर? जो कॉन्स्टेंट है ना उसको, जैसे यहाँ पे फोर्स कॉन्स्टेंट है और एक्सटेंशन कॉन्स्टेंट है, तो वैसे ही अगर प्रॉब्लम में दिया है कि बी और सी कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, बी और सी, और फॉर्मूला इक्वल के बदले प्रोपोर्शनल लिखने का और ये, और फिर क्या करने का, एक्स वन अपॉन एक्स टू या x of brass upon x of copper, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ. v b equal to what, जो सामने है वो सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो it may be a1 by a2, तो root of e1 by e2, और ये इनवर्सली है ना, इनवर्सली का उल्टा पुल्टा कर देने का, तो इनटू क्या आएगा, d2 by d1. इधर क्या होगा बताओ, equal to a of brass upon a of copper into root of E of brass upon E of copper into D of copper upon D of brass. It's not good mistake here, man. Anybody can point out what is the mistake? Any one of you, there is a mistake in this and this. Same mistake. Sir, D2 upon D1. क्या है mistake क्या है? वो right है. तुम्हारा वो जगह पे बराबर पहुंच गया. Mistake क्या है? इनवर्सली है इसलिए d2 d1 राइट है, इनवर्सली है इसलिए ये 1 के सामने d2 और 2 के सामने d1. मिस्टेक ये है कि d क्यूब है, तो इट शुड बी क्यूब, इट शुड बी क्यूब. इज दिस क्लियर? ये है ना, ये बताया है, हम लोग यहाँ पे जब करेंगे ना तो ये आइडिया क्लियर हो जाएगी, इसलिए अभी यहाँ पे समझो. हमको चाहिए कौन, y चाहिए, तो y हमारा जीरो लेफ्ट में ही है, देयरफॉर y प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे हम लोग, मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ क्या फोर्स कॉन्स्टेंट है कि फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स कॉन्स्टेंट है कि फोर्स चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट को भगा दो, क्या लेंथ चेंज हो रही है, क्या लेंथ, लेंथ चेंज हो रही है कि लेंथ सेम है, बोलो बोलो, चेंज चेंज हो रही है, तो प्रोपोर्शनल टू एल, क्या एरिया चेंज हो रहा है कि एरिया सेम है, चेंज हो रहा है, सर चेंज, बोलो चेंज, सर चेंज हो रहा है, बनेगा एंड ये एक्सटेंशन भी चेंज हो रहा है, बस ये फॉर्मूला हो गया, इसके बदले ये लिखा था ना, इसके बदले ये, अब मुझे क्या चाहिए, y b upon y of brass upon y of copper, जो सामने है वो सेम है as it is आएगा, इधर l l और इधर a a, who will tell me what will I write here,
LB अपॉन LC लिखो या LC अपॉन LB लिखो? ऊपर क्या लिखो? LC अपॉन LB दिया 4.5, LC कितना दिया है 5, AC कितना दिया है 4, और AB कितना दिया है 3, खल्लास, खल्लास, 4.5 × 4, 18, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6/5, ऐसे लिख सकते हो या 1.2:1, that's the answer. बुक का मेथड देखोगे तो एकदम गंदा मेथड है. बुक का मेथड एकदम गंदा मेथड. यू विल नॉट अंडरस्टैंड बुक का मेथड. एक मिनट, समझ में आया ये कि नहीं आया? बुक का मेथड अंडरस्टूड. एक बार और रूलर मार दूं? रूलर मारूं एक बार? एक किसी एक को? सबको समझ में आया? ये वाला पार्ट यूजफुल था क्या समझने के लिए? ये समझने के लिए ये यूजफुल था क्या? खाली इतना बोलो सर. मुझे राइट वाला. यस सर. राइट वाला छोड़ दो. ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया तो फिर इसको छोड़ दो, जाने दो. लेकिन ये मेन एग्जांपल है, इसके ऊपर से ये बैठ जाए. कितने लोगों को राइट वाला भी समझ में आया? अंडरस्टूड. चलो ठीक है, राइट वाला नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, मिटा दूं? सर वन मिनट. अरे प्रिशा शेट्टी, व्हाई आर यू कमिंग लेट? प्रिशा शेट्टी, ये मिटा दूं ना? यस सर. ये ना, ये मेथड फॉलो करना कभी भी, जो मेरा मेथड है ना, यही द बेस्ट मेथड टू डू द प्रॉब्लम. ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे अगला प्रॉब्लम. अगला प्रॉब्लम आपके सामने, ये जरूरत नहीं है. चलो अभी इसको मिटा देता हूं. ये हमने जो मिटा ही दिया. ओके ओके, अगला प्रॉब्लम कौन है? अभी अगला प्रॉब्लम देखो, वो कितना गंदा मेथड है. कैन यू सी द बुक में जो सॉल्यूशन दिया है? इट इज नॉट गुड. आई थिंक माय मेथड इज बेटर. नेक्स्ट करो. 48 विल बी रेड बाय लेट अस से अफीफ. सो A wire gets stretched by 4 mm due to a certain load. If the same load is applied to a wire of the same material with half the length and double the diameter of the first wire, what will be the change in its length? देखो अभी है ना, अभी बहुत interesting है ये problem. ऐसे problem need JEE में आते हैं. Of course 12th, 11th, 12th के exam में तो आएंगे ही, लेकिन ऐसे problem बहुत आते हैं. डबल द लेंथ, हाफ द रेडियस. अब है ना, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम पे जाने के पहले मैं ये जनरल क्लियर करना चाहता हूँ. यहाँ पे ना बच्चे लोग को बहुत ट्रबल होती है. मेरी बात सुनो के ध्यान से. इट विल बी वेरी यूजफुल थ्रू आउट, नॉट ओनली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीवेयर दिस विल बी यूजफुल. देर आर टू वायर. लेंथ ऑफ सेकेंड वायर इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट. What will I write? I'll write L1 equal to 2L2 या L2 equal to 2L1. क्या लिखूं? Length of another wire is double the length of the first wire. So which is better? L2 equals to 2L1. Length of second wire is twice the length of the first wire. Second wire L2 equal to twice the length of the first wire. ये एक बहुत ही कॉमन, बच्चे लोग सर L1 इक्वल टू 2L2 लिखने का कि L2 इक्वल टू 2, सर बहुत कंफ्यूजन होता है. मैं उसका भी तोड़ बताऊंगा. इस प्रॉब्लम में हमको ये यूज करना है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे समझ समझ के लिखेंगे, बहुत आराम से लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन लाइक दिस.
आपको कुछ भी डाउट है बिंदास मेरे को रुक के पूछना कि सर ये नहीं समझा समझा, क्योंकि ये अगर समझ गया ना तो आगे बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। अ वायर गेट्स स्ट्रेस्ड बाय 4 मिलीमीटर, क्या लिखूं बेटा ये स्ट्रेच यानी कैपिटल एल स्मॉल या डायमीटर, क्या लिखू? स्मॉल एल, वायर स्ट्रेस्ड स्मॉल एल, दैट इज दिस इज द फर्स्ट एल1 इक्वल टू 4 मिलीमीटर ड्यू टू सर्टेन लोड, सेम मटेरियल, एक बात ध्यान रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर दो वायर सेम मटेरियल के हैं, सब दोनों कॉपर के, दोनों आयरन के, दोनों गोल्ड के, तो उनका यंग्स मॉडुलस इज द सेम। सेम मटेरियल मीन्स सेम यंग्स मॉडुलस, ये ध्यान रखना, मटेरियल सेम मीन्स यंग्स मॉडुलस सेम। तो क्या लिखूं यहाँ पे, एनीवन, अगला स्टेप क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो, यंग्स मॉडुलस इज सेम बिकॉज मटेरियल इज सेम, इसलिए यंग्स मॉडुलस इज सेम। वाई वन इक्वल टू वाई टू With half the length, जो second wire है, it is of half the length. Anybody can tell me what will I write? Half the length. L1 equal to half L2 या L2 equal to half L1? L2 equal to half L1. What L2 equal to half L1? Anybody else? Sir, L2 is equal to half L1. That's right answer, Vargesh. So मैंने भी same बोला था। मैं मालूम है राइट ही बोला था, लेकिन मैं कभी कभी राइट को ऐसे बोलता हूँ व्हाट, तो कोई स्टूडेंट आके चेंज करता है ना, मतलब दैट स्टूडेंट इज रॉन्ग। अरे फॉलोइंग, नहीं नहीं, मैं कभी कभी ऐसे ही जानबूझ के जो राइट होता है ना उसको कंप्लीटली ना नहीं बोलता हूँ, हाँ नहीं बोलता हूँ, तुरंत बोलता हूँ व्हाट, चेंज करो मतलब यू आर नॉट अंडरस्टूड। तो हाफ द लेंथ, अनदर वायर ऑफ हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर, अरे बाप रे, डबल द डायमीटर यानी क्या लिखूं, डायमीटर diameter, double the diameter, what equal to what into d, क्या है बोलो ना यार, जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास। क्या रे बच्चों, सर d2 is equals to 2 d1, d2 equal to d1, anybody else, sir d2 equals to 2 d1, sir d2 is equals to 2 d1, lovely. I am happy you got this idea. D2 equal to D1. What will be changed in its length? यहाँ पे क्या लिखूँ? What will be changed in its length? क्या लिखूँ? अरे what? L2. अब मैं problem बता रहा हूँ. I am going to ask you what the problem is. मैं problem बता रहा हूँ. Sir, यहाँ पे क्या एक wire था? उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया ना तो 4 मिलीमीटर का एक्सटेंशन हुआ, फिर एक दूसरा वायर लाए उसी मटेरियल का और वही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन उस वायर की लेंथ हाफ द ओरिजिनल, हाफ द इनिशियल लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, और सर सेकंड वायर का डायमीटर इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट वायर, तो लोग बोलते हैं वही फोर्स लगाने पर अगर पहले वायर का 4 मिलीमीटर एक्सटेंशन होता था तो दूसरे वायर का कितना एक्सटेंशन होगा। इज द प्रॉब्लम क्लियर, इज द प्रॉब्लम क्लियर बच्चे लोग, बोलो। ओ प्यारे बच्चों, नो सर, हाँ बोल क्या, यस और नो, यस और नो, मैं सुना नहीं, वापस एक बार रिपीट प्लीज। नो सर, नॉट क्लियर, ओके मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक था वायर, उसका एक्सटेंशन हुआ 4 मिलीमीटर, वेरी सर्टन फोर्स वॉज अप्लाइड। एक दूसरा वायर लिया, दोनों का मटेरियल सेम यानी वायर वाज सेम, उसकी लेंथ हाफ द ओरिजिनल, इसकी लेंथ इसकी हाफ हो गई, इसकी एल तो इसकी एल बाय टू, इसका डायमीटर डबल, ये पतला तो ये डबल मोटा, मतलब इसका मोटाई थोड़ी बड़ी, मोटा मोटा वायर लेकिन आधा लंबा, इसके ऊपर सेम फोर्स एफ अप्लाई करेंगे तो इसका एक्सटेंशन कितना होगा। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ, एकदम प्रॉब्लम क्लियर है कि नहीं सर? थोड़ा ही क्लियर हुआ, थोड़ा ही क्लियर हुआ, एक बार फिर से बोलता हूँ।
एक था वायर राइट, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उसका एक्सटेंशन 4 मिलीमीटर हुआ था। दूसरा वायर लिया, उसकी लेंथ हाफ ऑफ दिस लेंथ, डायमीटर डबल ऑफ दिस, और सेम मटेरियल का बना हुआ, उसके ऊपर यही फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसका एक्सटेंशन कितना होवेगा? नहीं हुआ क्लियर अभी भी? हुआ सर, हुआ। एक बार मेरे को पूछना पड़ेगा, बिना पूछे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क हुसैन, प्रॉब्लम बता। दागिना सर, एक वायर को स्ट्रेच किया 4 mm, सर अगर सेम लोड दूसरे वायर पे ऑफ सेम मटेरियल विद सर इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड वायर इज हाफ द लेंथ एंड द डबल द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर सर, सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन लेंथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुसैन। सेकंड यस, दैट्स राइट आंसर, दैट्स वेरी गुड आंसर हुसैन दागिना। ओके, वाई का फॉर्मूला क्या है कोनन? कोनन वाई का फॉर्मूला बोल। F capital L upon A small l. एरिया के बदले के am I right? Supposed to write pi r square और चलेगा A लिखना? यहाँ पे diameter दिया, भूलना नहीं। क्या लिखूं? Pi r square लिख दूं? Diameter दिया ना, radius दिया है। So it is always better to write pi r square into छोटा l. हमारा zero कौन है इस problem का? Zero, zero कौन है? छोटा एल है कि कैपिटल एल, की एफ है कि वाई है? कौन है हीरो? सर एफ फोर्स। वेरी बैड आंसर, तो हीरो है ना द वन व्हिच वी वांट, वो है हीरो अपना। कौन है हीरो? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ को यहां से यहां लाते हैं, देयरफॉर व्हाट इज चेंज इन लेंथ? एफ एल पाई आर स्क्वायर बाय, therefore L proportional to क्या? Constant को भगाना है, constant को भगाना है। देखो पाई तो constant ही होता है, ये constant है, भूलना नहीं। Force constant है कि force change हो रहा है? पहले वायर दूसरे वायर में अलग अलग force है कि same force है? Sir constant। तो force को नहीं लेना देखो। क्या length change हो रही है? Length is also same ना? Original length दोनों की same है कि? हाँ? No sir। It's changing। Pi is constant। रेडियस इज चेंजिंग, डायमीटर डबल हो रहा है लेकिन रेडियस तो सेम रहेगी ना? नहीं सर, रेडियस भी चेंज होगा। रेडियस भी चेंज होगी। आर स्क्वायर, व्हाट अबाउट वाई? वाई कांस्टेंट है ना? अच्छा मुझे ओरली कौन आंसर बताएगा? अगर डायमीटर डबल तो रेडियस कितना? ओरल आंसर सर डबल। हाँ सर, रेडियस आल्सो विल बी डबल। या दैट्स राइट, देखो एकदम सिंपल, डी टू इक्वल टू टू डी वन, तो अगर इसे टू आर टू इक्वल टू टू टेंस टू आर वन, टू टू गेट्स टू आर टू इक्वल टू टू आर वन, तो रेडियस इज डबल ना, आर टू इज टू डी टू इज टू डी वन, देयरफॉर आर टू इज टू आर वन, L upon R square, therefore L2 by L1. अब मुझे कोई बताएगा, मुझे रोशनी, रोशनी बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, ऊपर देख के बताओ। रोशनी चौरसिया, अरे है क्या? यस सर, यस सर। क्या लिखूं सर? एल अपॉन आर स्क्वायर। हाँ ये तो लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लिखना है मेरे को, रेशियो ले लिया मैंने, एल टू बाय एल वन इक्वल टू हाफ एल वन। अरे यार एल टू बाय एल वन लिखूं या एल वन बाय एल टू लिखूं, या एल वन बाय एल टू का होल स्क्वायर लिखूं या एल टू बाय एल वन का होल स्क्वायर लिखूं, ये आंसर देना है आपको। ये चारों में एल टू बाय एल वन, एल टू बाय एल वन। यस सर। मार्ज, मार्ज तुम बताओ क्या लिखूं? मार्ज, ओ मार्ज
और एल टू बाय एल वन अपॉन फोर स्क्वायर एल टू बाय एल वन का होल स्क्वायर लिखो यार नहीं सर और आर में क्या लिखू सर आर वन अपॉन आर टू द होल स्क्वायर आई थिंक मास यू आर ए लवली बॉय बहुत अच्छे बच्चे हो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तो दैट इज द राइट आंसर एल टू के बदले तो हमको ढूंढना है एल टू एल वन के बदले क्या लिखो चार मिलीमीटर सपोज फोर इंटू टेन इज टू माइनस थ्री लिख देता हूँ मीटर में लाने के लिए छोटा एल टू बाई एल वन इज वन बाई टू देखो ना यहाँ पे एल वन को नीचे ले आएंगे तो एल टू बाई एल वन इज वन बाई टू आर टू इज टू आर वन R1 is 2 R1 ka square. So R1, R1 get cancelled. That is 1 upon 2 into 1 upon 4. That is 1 upon 8. Therefore, extension will be 4 into 10 raised to minus 3 upon 8. Yani ke 0.5 into 10 raised to minus 3 meter. Or L2 equal to 0.5 millimeter. Copies down. Hamare paas hai waqt. Ek bar repeat kar do. A ruler maar do ek bar. प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट हाँ देखो एफ का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने अपने जीरो एल था तो एल को यहाँ ले आया वाई को यहाँ ले आया और क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट था एफ वन वाज एफ टू तो एफ को भगा दिया पाई कॉन्स्टेंट है सेम मटेरियल वाई कॉन्स्टेंट है एल प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर फिर मुझे एल टू चाहिए था तो मैंने एल से ऊपर रखा एल टू बाई एल वन directly proportional to L2 by L1 into R1 inverse is R1 by R2 the whole square L2 by L1 के ऊपर ले 4 into 10 is to minus 3 L2 by L1 L1 को यहाँ से L2 by L1 is 1 by 2 R2 को 2 R1 रखा है तो R1 R1 get cancelled इसका square तो half into 1 by 4 1 by 8 फिर मैं इसको वहाँ ले गया copy this down fast कॉपी कर रहे हो कि हो गया बाकी है क्या है अफीफ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलस सर बल्क मॉड्यूलस या टेल मी सर इट इज डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी क्या बोल रहे हो यार क्या k equal to what sir I don't like this sir k is equals to sir v into dp upon dv that's right acha mujhe vidhi what is the formula for modulus of rigidity sir that is f of